बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आए हैं फिर से। आज हम बनाएंगे शामी कबाब सैंडविच। बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शामी कबाब सैंडविच बनाने के लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल किया हैं वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी। हमें सबसे पहले चाहिए शामी कबाब। हमने शामी कबाब पहले से ही तैयार करके फ्रीज किए हुए थे और आज हम इसके सैंडविच बनाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपके साथ शामी कबाब बनाने की रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ी सी गाजर बारीक कटी हुई, थोड़ी सी बंद गोभी, इन दोनों का हम सलाद बनाएंगे। हमें ब्रेड के स्लाइस चाहिए, 4 अदद हमने अंडे लिए हैं, टमाटर चाहिए हमें कटे हुए, थोड़े से खीरे और थोड़ा सा हमने सलाद के पत्ते इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा हमें स्लाइस पे लगाने के लिए मायोनीज और केचप भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे। हमने चारों शामी जो हैं वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं होंगे हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अंडों को हमने बाउल में डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से हम फेंटेंगे। हमारी सारी चीजें तैयार हो गई हैं। हमने अंडे और शामी कबाब दोनों को फ्राई कर लिए। अब हम अपना सैंडविच बनाना स्टार्ट पहले हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे। एक स्लाइस में हम मायोनीज लगाएंगे। और इसको पूरे स्लाइस में हम फैलाएंगे। अब हमने मायोनीज लगा दी एक स्लाइस पे। अब हम अंडा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे स्लाइस पे अंडा भी हमने ब्रेड के ऊपर रख दिया है। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रखेंगे। दूसरा स्लाइस भी हमने रख दिया है। अब सबसे पहले दूसरे स्लाइस में हम ऊपर से लगाएंगे केचप और इसको भी हम अच्छे से फैलाएंगे स्लाइस पे। अब हम डाल रखेंगे शामी कबाब और इसको भी हम फैलाएंगे। हमने शामी कबाब को भी स्लाइस के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर से रखेंगे लेक्टस। और थोड़े से खीरे। और ऊपर से रखेंगे हम टमाटर। और थोड़े से हम ऊपर से डालेंगे मायोनीज। ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी है। उम्मीद है कि आपको ये सैंडविच पसंद आएगा जब आप बना के खाएंगे। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करती हूँ कि ये आप अपने बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल किए हैं, शामी कबाब भी है इसमें, अंडा भी है। अब हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब हम इसके दो कॉर्नर्स पे टूथपिक्स लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले पे भी लगाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरे वाले की भी कटिंग करते हैं।
अब हमने अच्छे से इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए काफी हेल्दी बने। अब हम इसकी टूथपिक निकाल लेंगे।